हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे LSI यानी लिंगनियर सेचुरेशन इंडेक्स के बारे में। इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि LSI का जो नाम है ये लिंगनियर सेचुरेशन इंडेक्स क्यों पड़ा, ठीक है। ये भी जानने वाले हैं कि जो कूलिंग टावर का जो वाटर होता है उसकी LSI वैल्यू कितनी होती है, उसका रेंज कितना है, कूलिंग टावर के अंदर LSI वैल्यू निकालते क्यों इतना ज़रूरी होता है, LSI वैल्यू कम है या ज़्यादा है तो वो सिस्टम के ऊपर इफेक्ट क्या डालता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कूलिंग टावर का जो वाटर होता है इसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो LSI की वैल्यू को जो इफेक्टेड करते हैं, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का जो सेशन है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं कि LSI होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपके लिए कितना ये अच्छा लगा, ठीक है, और जब आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मान लीजिए LSI को हम लोग निकालते हैं कैसे, तो वो तो बाद में निकालेंगे, पहले एक मैं बात बताता हूँ। मान लीजिए ये है एक नेताजी, क्या है, नेताजी है, इनके ये है चार लोग या पांच लोग मान लीजिए इनके साथी हैं, ठीक है। तो नेताजी का क्या है, ये इनके पांच साथी हैं, ठीक है। तो नेताजी क्या है, नेताजी किसी भी बात को लेके सेचुरेट होते हैं, मतलब संतुष्ट होते हैं या असंतुष्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है इनके ऊपर कि ये कितने उनसे संतुष्ट हों उस बात को लेके, चाहे वो किसी भी चीज को लेके, ठीक है। तो जो मेन कौन है, मेन उसके लीडर कौन है, नेताजी, ठीक है। तो नेताजी अगर सेचुरेट होते हैं तो किनकी वजह से होते हैं, इनकी वजह से होते हैं, ये इन पांचों लोगों की वजह से सेचुरेट होते हैं। तो ऐसा ही कुछ है ये LSI कि LSI में भी कुछ ऐसा होता है कि उसमें एक है नेताजी, ठीक है, वो उनको सेचुरेट करना है, ठीक है। वो किनकी वजह से सेचुरेट होते हैं, किनकी वजह से अनसेचुरेट होते हैं, उस नेताजी को हम लोग खोजते हैं कि वो नेताजी कौन है। उस नेताजी को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो LSI है लिंगनियर सेचुरेशन इंडेक्स है तो इसका नाम क्यों पड़ा। तो देखते हैं LSI को। LSI क्या है, वाटर का निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं LSI का, तो LSI में जो इसका जो फुल फॉर्म होता है लिंगनियर सेचुरेशन इंडेक्स, जो लिंगनियर है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इन्होंने ही एक सेचुरेशन इंडेक्स दिया था, सेचुरेशन एक सारणी दिया था, ठीक है। उन्होंने बताया अगर कूलिंग टावर का वाटर का अगर LSI यानी लिंगनियर सेचुरेशन इंडेक्स -0.3 से लेके +0.3 के बीच में है तो ऐसा वाटर क्या है, उसको बोलेंगे बैलेंस वाटर। इस वाटर से कूलिंग टावर के अंदर ना तो कोरोजन होगा और ना तो स्केलिंग होगी, ठीक है। अगर उसका LSI के वैल्यू +0.3 से ज़्यादा जाता है तो वो स्केलिंग करेगी, अगर -0.3 से कम होता है तो क्या करेगी, कोरोजन करेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, सेचुरेशन। दूसरा क्या है, सेचुरेशन। सेचुरेशन को हम लोग समझ लेते हैं कि वाटर है कि कोई वाटर है, ये ऐसा वाटर है कि क्या है, अनसेचुरेटेड है। इसको सेचुरेट करने के लिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉल्ट इसमें तब तक डिजॉल्व होता रहेगा, तब तक डिजॉल्व होता रहेगा जब तक कि ये सेचुरेट होता नहीं, जब तक कि ये सेचुरेट होता नहीं। यानी कि अगर इसके अंदर हम लोग सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं और मिक्स करते रहें तो ये मिक्स होता रहेगा जब तक ये सेचुरेट होगा नहीं। तो हम लोग एक बार डालें, दो बार डालें तो ये पूरी तरह से, अगर तीसरी बार अगर इसमें और क्वांटिटी डालते हैं तो देखते हैं कि वाटर के अंदर ये सॉल्ट पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्ट पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब इसमें जो सॉल्ट का क्या है ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन है ज़्यादा हो गया और ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब वाटर के साथ ये कम्बिनेशन नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये तो अभी ये सेचुरेट हो गया, ठीक है, सेचुरेट हो गया जितना इसको चाहिए था उतना तो संतुष्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम लोग कोई फैक्टर अप्लाई करें, यहाँ मान लो इसी वाटर को अगर हम क्या करें, हम लोग हीट कर देते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं कि जो सॉल्ट है इसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है, क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो हम लोग जानते कि हैं जो कूलिंग टावर के अंदर है हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो लिंगनियर सर ने बताया अगर कूलिंग टावर के वाटर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट सेचुरेटेड मात्रा में, क्या है,
सेचुरेटेड मात्रा में है तो क्या है, मतलब बैलेंस है, तो उस वाटर से क्या होगा, ना तो कोरोजन होगा और ना तो स्केलिंग होगा, मतलब उसमें जो हार्डनेस है वो बैलेंस है, ठीक है, ना तो कम है ना तो ज्यादा है। अगर वाटर के अंदर अगर कैल्शियम कार्बोनेट अनसेचुरेटेड है, मतलब वाटर के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो रहा है, जैसे कि हम लोग अभी जो देखे थे कि सॉल्ट डाल रहे थे कुछ क्वांटिटी तक तो हो रही थी, उसके बाद हम ऐड कर रहे थे तो उसके अंदर वाटर के अंदर वो डिजॉल्व नहीं हो रही थी, तो वैसे ही तो क्यों थी, सॉल्ट उसमें ओवर थी, ज्यादा थी, तो वैसे ही वाटर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में है तो क्या है, ओवर कंसंट्रेशन है, मतलब ओवर सेचुरेटेड है, तो ऐसी वाटर जो होती है वो क्या करती है, वो प्रेसिपिटेट होगी, ठीक है, वाटर के अंदर जो कैल्शियम का क्या प्रेसिपिटेट होगा तो वो इस सिस्टम के अंदर स्केलिंग करेगा, ठीक है, मतलब अपना एक लेयर बना लेता है किसी भी पाइप्स के अंदर या ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्होंने बताया अगर वाटर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का सेचुरेशन कम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जो अनसेचुरेटेड मात्रा में है तो वो क्या करेगा, वो सिस्टम को कोरोड करेगा, यानी अनसेचुरेटेड है तो अपने को सेचुरेट करने के लिए क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसको चाहिए सेचुरेट होने के लिए, तो कहीं ना कहीं से वो कैल्शियम को कंज्यूम करेगा, जैसे कि जो बॉडी है, जो कंक्रीट की बॉडी है या तो मेटल्स में से जहाँ से भी उसको मिलेगा, वो अपने को सेचुरेशन को कम्प्लीट करने के लिए वो किसी न किसी लेयर को क्या करता है, रिमूव करता है, तो बोलते हैं कोरोजन करता है, क्या करता है, कोरोजन करता है, जैसे कि हम लोग पानी में देख रहे थे स्टार्टिंग में, और जब हम लोग सॉल्ट को ऐड कर रहे थे तो देखते थे कि वो तुरंत उसके अंदर डिजॉल्व हो, मतलब पहले जो वाटर था वो अनसेचुरेटेड था, वो अपने सेचुरेशन को रीच करने के लिए फटाफट उसमें वो डिजॉल्व कर ले रहा था, ठीक है, ऐसे होता है इसमें। लेकिन उसी में हम लोग देखे थे कि बाद में जैसे पानी को हम लोग जब गर्म करते हैं और सॉल्ट को डाल रहे हैं तो जो पहले जो सॉल्ट जो नहीं घुल रहा था आगे ना, और इसमें हीट करने के बाद हम लोग उसको मिक्स कर रहे थे, देख रहे हैं वो मिक्स हो जा रहा है, ऐसे भी उसमें क्या था, फैक्टर था, अगर जब हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है एक लिमिट तक, ठीक है, तो ऐसे इसमें भी होता है, ठीक है। जो कूलिंग टावर का जो मेन जो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है वो सेचुरेटेड मात्रा में है, वो अनसेचुरेटेड मात्रा में है या बैलेंस है, वो क्या होता है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, कूलिंग टावर के कुछ पैरामीटर किसके ऊपर करता है, ठीक है, तो वो पैरामीटर को मैं बताता हूँ, जैसे उसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट कर रहे थे, ऐसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ पैरामीटर्स है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि सेचुरेटेड है या नहीं है, ठीक है, तो वो पैरामीटर है, एक तो है पीएच, दूसरा है टेम्परेचर, जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है, जो तीसरा है कैल्शियम हार्डनेस, वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है वो होता है, जो चौथा होता है वो होती है एल्कलिनिटी, ठीक है, कौन सी एल्कलिनिटी होगी, जो कार्बोनेट से एल्कलिनिटी होती है, ठीक है, और जो पांचवा जो होता है वो होता है टीडीएस, क्या होता है TDS, ये इतने जो पैरामीटर हैं ये बताते हैं कि जो इसमें जो कैल्शियम जो कार्बोनेट्स है वो सेचुरेटेड मात्रा में है कि सेचुरेटेड मात्रा में नहीं है, तो इन्हीं पैरामीटर को बेस मान के इन्होंने जो लैग्नर सर ने एक क्या किया सेचुरेशन इंडेक्स एक सारणी तैयार की, क्या की सारणी तैयार की, और उसमें इन्होंने फैक्टर दिया कि पीएच है तो कितना होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर है तो उसका फैक्टर कितना आएगा, ठीक है, कैल्शियम हार्डनेस कितना आएगा, ये कार्बोनेट सेचुरेटेड है तो कितना आएगा, और टीडीएस है तो कितना इसका फैक्टर आएगा, ठीक है, इन्होंने वो सारणी दिया, तो इसमें मान लीजिए हम कूलिंग टावर का जो अभी हम लोग को निकालना है कि कूलिंग टावर का जो पानी है इसकी एलएसआई वैल्यू कितनी है, इससे कोरोजन होगा या स्केलिंग होगा, कैसे निकालेंगे, हम इसके डाटा को लेते हैं, हम लोग इसको जो डाटा लिए इनिशियल जो डाटा लिए क्या लिए कि जो पीएच है इनिशियल है इसका वाटर का कितना है 7.8, टेम्परेचर हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर कितना है 37, जो कैल्शियम हार्डनेस है हम इसको मान लेते हैं कि इसका कितना है 300 है, जो एल्कलिनिटी है इसको मान लेते हैं कि कितना है 500 है, और टीडीएस है टीडीएस को मान लेते हैं कि जो वाटर की जो टीडीएस है वो लेस देन 1000 है, ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि इनका जो सेचुरेशन इंडेक्स है तो पीएच अगर 7.8 है, इन्होंने जो फार्मूला दिया क्या दिया फार्मूला दिया सेचुरेशन इंडेक्स का कि अगर है अपने पास इतनी वैल्यू है कि पीएच प्लस टेम्परेचर फैक्टर, क्योंकि इन्होंने सेचुरेशन इंडेक्स किया उसने सब फैक्टर्स निकाल दिए, इन्होंने बोला जो टेम्परेचर फैक्टर्स और प्लस कार्बोनेट एल्कलिनिटी तो एक कैल्शियम हार्डनेस का
हेक्टर लगाया, ठीक है, तो कैल्शियम हार्डनेस का फैक्टर हो गया, और प्लस कार्बोनेट्स एल्कलेटी, ठीक है, तो एल्कलेटी फैक्टर, ठीक है, अब माइनस टीडीएस, ठीक है। इन्होंने बोला अगर इसको 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 इतने को जोड़ दिया जाए और टीडीएस को माइनस कर दिया जाए, मतलब इनके टीडीएस के फैक्टर को माइनस कर दिया जाए, तो हमको एलएसआई की वैल्यू पता चल जाती है। तो हम अभी लिखते हैं, जो पीएच होता है तो पीएच का वैल्यू पीएच ही लिखा जाता है, जो 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 टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो फैक्टर है तो 37 है टेम्परेचर है, तो इनके इंडेक्स के हिसाब से उसका जो आएगा जो टेम्परेचर फैक्टर आता है 0.1 आता है, ठीक है। जो कैल्शियम जो हार्डनेस है, ठीक है, कैल्शियम जो हार्डनेस है अगर 300 है तो उसका जो इंडेक्स में आता है जो वैल्यू आता है 2.1 आता है। जो कैल्शियम मतलब जो कार्बोनेट एल्कलिटी है अगर जो 500 है तो उसका जो फैक्टर्स है वो है 2.6, ठीक है। टीडीएस का है, उन्होंने बताया कि अगर जो टीडीएस लेस देन 1000 है तो उसका जो फैक्टर्स होगा उसको लगाएंगे 12.1, ठीक है। इसको और पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.5, क्या होती है 0.5। जो इन्होंने जो रेंज दिया, क्या दिया, रेंज दिया कि -0.3 से लेके +0.3 तक के बीच में है तो वाटर क्या बैलेंस है, उससे ऊपर गया तो वाटर क्या करेगा, स्केलिंग करेगा, तो अपनी जो वैल्यू आई वो 0.5 आए, तो इसमें जो वाटर हो क्या करेगा, अभी वो सिस्टम को स्केलिंग करेगा, सिस्टम में स्केलिंग को प्रमोट करेगा, क्योंकि उसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट्स क्या है ओवर सेचुरेशन में, क्या है ओवर सेचुरेशन में, ठीक है। अब हम वैल्यू को चेंज करते हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं, मान लेते हैं कि ये 7.8 की जगह ये 7.4 है, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, कैल्शियम हार्डनेस भी सेम है, ठीक है। एल्कलेटी मान लेते हैं कि चलो ठीक है, हमारा पहले 500 था अभी कितना है 200 है, ठीक है, और टीडीएस सेम है, तो इसमें 7.4 और पुट करते हैं 0.1, ठीक है, इसका कैल्शियम हार्डनेस 300 है तो फैक्टर सेम रहेगा, ठीक है, कैल्शियम एल्कलेटी पहले 500 थी और 200 हो गई, तो 200 हो गई, तो इसका जो वो रहेगा तो कितना आ जाएगा 2.3 आ जाएगा, ठीक है। टीडीएस सेम है, इसका जो टीडीएस फैक्टर है वो सेम रहेगा, ठीक है। इसको और जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, वो आता है -0.2, ठीक है। तो ये वाटर क्या है, अभी जो और इसकी वैल्यू और इतना पैरामीटर्स की वैल्यू और जितनी आ रही है, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे थे, कितना पा रहे हैं कि -0.2 क्या है, वो -0.03 से और +0.3 के बीच में है, मतलब वाटर क्या है, बैलेंस वाटर है। ऐसे वाटर से क्या होगा, ना तो कोरोजन होगी ना तो स्केलिंग होगी, लेकिन यही वाटर में अगर जो कैल्शियम कार्बोनेट्स की और जो सेचुरेशन और डाउन होती गई और डाउन होती गई तो क्या करेगा, ये वाटर अंदर तक क्या करेगा, फिर से कोरोजन करेगा, इसकी वैल्यू और जो और डाउन हो गई, ठीक है। ऐसे अब हम लोग को पता चल जाता है कि वाटर जो है, जो कूलिंग टावर का जो वाटर है उससे स्केलिंग होगा या कोरोजन होगा, ठीक है, या वाटर जो है वो बैलेंस वाटर है, ठीक है। एलएसआई से ही पता चलता है कि वाटर से कोरोजन होगा या स्केलिंग होगा या वाटर बैलेंस है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।